ये एक टीवी के बैक साइड का सबवूफर है, तो मेरे पास ये स्पेयर में पड़ा हुआ था, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसका यूज करके होम थिएटर बनाया जाए। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसके अंदर होम थिएटर का सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसको खोल लेंगे, खोल के इसको अलग कर लेते हैं। सारे स्क्रू को खोल लिया है, इसको अलग करने के बाद में इसमें 20 वाट पावर है इसकी, 4 ओम का है। हमारे पास एक ये बक्सा है और एक ये है, हमें सारा सेटअप करना है, इसके अंदर ही सेट करना है। 3.1 चैनल का सबवूफर का होम थिएटर का किट है। एक हमारे पास ब्लूटूथ मोडम है, ये हमारे पास में 12.0.12 टिगर है, तो इन सब की मदद से हम लोगों को इसको सेटल करके एक होम थिएटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये इस तरह से बोर्ड को यहाँ पर लगा देते हैं, ये वाला बोर्ड ना इस तरह से, इस बोर्ड को यहाँ लगा लेंगे। तो चलिए पहले इसको लगाने के लिए इसमें छेद कर लेते हैं। एक होल यहाँ पे वायरिंग के लिए कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा टीगर इसमें कस गया 12.0.12। 12.0.12 टीगर कसने के बाद में जो है हम इसकी एसी की वायरिंग कर लेंगे। पहले सबसे पहले वही काम निपटा लेंगे, क्योंकि नहीं तो वो नीचे ढक जाएगा। तो इन तारों को छील के ये हमारी सबसे पहले इसमें अडैप्टर लग गया है। अडैप्टर के बाद अब हम इसके अंदर इस वाले बोर्ड को अटैच करने वाले हैं। तो ये बोर्ड हम इसमें इस तरह से कसने वाले हैं, यहाँ पे 2 पेच लगा के कुछ इस तरह से बोर्ड इसमें ऐसे कस जाएगा। चलिए इसके लिए भी छेद कर लेते हैं। कुछ इस तरह के पेच मैंने ले लिए हैं, तो इन पेचों से मैं जो है इस बोर्ड को यहाँ पे कस दूंगा। एकदम बोर्ड एकदम टाइट हो गया, इसमें फिक्स हो गया है। अभी सबसे मेन हमारे पास ये वाले वायर हैं, ये वाला वायर जो है हमारा ये न्यूटन है, और ये दोनों पॉजिटिव है 12 वोल्ट के, तो ये हमें यहाँ लगाना है, बाकी के यहाँ लगाने हैं, तो इसको भी लगा लेते हैं। चलिए इन तारों को लगाते हैं। सबसे पहले एक तार को इधर लगा देंगे, वाला वायर हमारे मेन कनेक्शन, इसके अंदर करंट जाने के हो गए हैं। हम लोगों ने इसके अंदर एक मॉड्यूल लगाना होगा, जिसमें यहाँ से करंट लेगा और यहाँ पे आउटपुट देगा, साउंड देगा यहाँ पे, और यहाँ से वो करंट आउटपुट का लेगा। इस वाले मॉड्यूल का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर। इस तरह से हम मॉड्यूल को यहाँ पर लगा देंगे। अभी मॉड्यूल के वायर को हम लोगों ने इस सिस्टम के साथ जोड़ना है। तो मॉड्यूल में बेसिकली 5 वायर होते हैं, जिसमें से 3 ये ऑडियो के होते हैं, कि तीनों ऑडियो के होते हैं, और ये वाले तीनों के दोनों करंट के होते हैं, जिसमें से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव लगा देंगे, नेगेटिव का नेगेटिव लगा देंगे, बाकी के बाकी ये स्टूडियो आउटपुट के लिए स्टूडियो होता है उसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो लगाएंगे, जैसे कि बीच वाला इसमें हमारे पास में व्हाइट कलर का कॉमन है, ये व्हाइट कलर का जो है ये हमारा कॉमन वायर है, और ये दोनों हमारे साइड के वायर हैं। कॉमन वायर को व्हाइट वाले को हम व्हाइट में लगाएंगे, बीच वाले में लगा देंगे। ये बीच वाले हमारी लाइन है इसके आउटपुट की, इनपुट की, ये लग गया वायर। और इनके बाद में हमें जो ये वाली वायर है इसकी करंट की है बोर्ड की, तो यहाँ पे बोर्ड में जो है ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, तो ये नेगेटिव वाला वायर नेगेटिव में लगा देंगे, और ये पॉजिटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे मॉड्यूल के वायर के कनेक्शन हो गए। मॉड्यूल के जो ये है हमारे सबवूफर के वायर, तो सबवूफर वाला जो करंट आता है वो आता है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के आता है। तो यहाँ पे सबवूफर के कनेक्शन लगा देंगे, तार को अच्छे से छील के। ये हमारे यहाँ पे जो है ये वाला सबवूफर के कनेक्शन है, तो उसमें सबवूफर लगा देंगे। ये हमारा सबवूफर का पॉजिटिव है, और ये सबवूफर का हमारा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सब ऊपर के कनेक्शन हो गए। अब हमारे स्पीकर के वायर रह जाते हैं, तो स्पीकर के वायर जो मैं इसमें स्पीकर लगाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको एक कनेक्टर के थ्रू
अटैच और डिटैच वाला बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छेद कर लेता हूँ जिसमें से हमारे वायर निकल जाएंगे बाहर, तो स्पीकर हमारा अटैचेबल और डिटैचेबल हो जाएगा। यहाँ साइड में छेद कर लेते हैं। अभी ये हमारे स्पीकर के दोनों वायर को हम देखिए, यहाँ पे स्पीकर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, एक तो ये आता है, एक ये बीच वाला हो गया, एक ये हो गया। तो आप कैसे भी ले सकते हो, यहाँ पे बैठ के दो स्पीकर लग सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पीकर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे इस साइड में, और दूसरा हम लोग यहाँ लगा लेंगे। तो ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन हो गए। और इसके अंदर जो मैं स्पीकर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये हमारे पास में एक स्पीयर पड़ा हुआ था स्पीकर, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये इसके दो तार हैं, इसको इसमें अटैच कर लेते हैं। ये होगा इसमें, अभी इसको इसमें लगा देते हैं कनेक्टर को, और इसको जो है इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देते हैं। अभी बारी आती है हमें इसका रिजल्ट चेक करने के लिए। तो ये इसकी लीड है, ये हमने इसमें लीड को लगाया, इसका स्विच ऑन करा, तो ये ब्लूटूथ मोड, हमारा सिस्टम पूरा चालू हो गया। अभी हम इसमें मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। ब्लूटूथ ऑन, ब्लूटूथ डिवाइस सर्चिंग, कनेक्ट करते हैं। ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया फोन के साथ में। अब एक नॉन कॉपीराइट गाना बजाने की कोशिश करते हैं। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है हेड।